चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बता दें कि इसरो का ये तीसरा लूनर मिशन है। साल 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 से लूनर मिशन की शुरुआत की थी। 22 अक्टूबर 2008 यही वो तारीख थी जब इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला मानव रहित चंद्र मिशन लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। भारत ने चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दुनिया को बता दिया था कि पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर वो भी मिशन भेज सकता है। उस वक्त सिर्फ 4 देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके थे। ऐसा करने वाला भारत 5वां देश था। चंद्रयान 1 टेक्नोलॉजी प्रदर्शन करने वाला मिशन था। इसने चांद की सतह पर पानी खोजने में कामयाबी हासिल की थी। इस मिशन से भारत को और भी कई लाभ हुए थे। अंतरिक्ष यान के अंदर 32 किलोग्राम का एक प्रोब था जिसका एकमात्र मकसद दुर्घटनाग्रस्त करना था। इसरो ने इसे मून इंपैक्ट प्रोब कहा। 17 नवंबर 2008 की रात को लगभग 8:06 पर इसरो के मिशन नियंत्रण में बैठे इंजीनियरों ने मून इंपैक्ट प्रोब को नष्ट करने की कमांड दी। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून इंपैक्ट प्रोब ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। कुछ ही घंटों बाद शांत पड़े स्पेस में एक बड़ा धमाका सुनाई दिया। जिस बात ने इसरो को और भी अधिक गौरवान्वित किया वो प्रोब पर बना तिरंगा था। यानी 14 नवंबर 2008 की रात को जैसे ही इसरो ने चंद्रमा की सतह पर यान को क्रैश कराया तब तिरंगा हमेशा के लिए चंद्रमा पर स्थापित हो गया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।